सच के लिए किसी पर्दे या लिबास की जरूरत नहीं होती, मगर झूठ को चारों तरफ से हर समय हमेशा ढकना। जी हां दोस्तों, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर फिल्म से फैंस जो है काफी लंबी चौड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन फिल्म जो है वो लोगों के दिलों पर राज करते हुए हमको दिखाई दे। फिल्म जब पहले दिन पे रिलीज हुई तो काफी जबरदस्त ओपनिंग के साथ रिलीज हुई। फैंस को फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई, जिसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको इस फिल्म की कमाई से पता चल जाएगा। फिल्म ने पहले दिन पे इतना धाकड़ कमाई करके दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और अब इस फिल्म के लिए सबसे खास बात यह है कि इसके लाइन पे और कोई फिल्म भी अभी आने वाली दिखाई नहीं दे रही है, तो ये फिल्म जो है काफी अच्छे खासे कलेक्शन करती हुई हमको दिखाई देगी। वहीं आपको बता दूं तो जैसे जैसे इसका समय बीतता जा रहा वैसे वैसे फिल्म की कमाई जो हमको घटते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिल्म ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है काफी अच्छा खासा हद तक निकाल लिया है। वहीं आपको और बता दूं तो हमको इस फिल्म को लेकर के हेट भी देखने को कई जगहों से मिला, जहां पे इस फिल्म को काफी नीचे दिखाने की कोशिश की गई थी। वहीं पे इस फिल्म को सपोर्ट करते हुए हमको अनुपम खेर दिखाई दिए, जहां पे उन्होंने हेटर्स की जो जमकर बजा दी। अनुपम खेर ने अपने बयान में यह बताया कि जहां पे पाकिस्तान की तरफ से इस फिल्म का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे इस फिल्म को इंडिया में सपोर्ट किया जाएगा, और अगर ऐसी फिल्म इंडिया के अंदर और बनाई जाएंगी तो उनको आगे भी ऐसी सपोर्ट किया जाएगा जिस तरीके से इस फिल्म को किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं और इंडिया के विरोध में फिल्म हम कभी बनाएंगे ही नहीं और ना ही हम इंडिया विरोधी बनेंगे। हालांकि दोस्तों अब इस फिल्म की जो कमाई है वो दिन पर दिन तो घटती हमको दिखाई दे रही है, लेकिन इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद भी इस फिल्म ने काफी अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। वहीं आपको और बताओ तो ये जो फिल्म है 200 करोड़ के क्लब में भी शामिल काफी जल्दी ही हो गई थी। वहीं इस फिल्म को देखने के लिए अभी भी काफी लोग थिएटर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो फिल्म है वो फैमिली रिलेटेड फिल्म है और इसके अंदर जो स्टार कास्ट भी है वो काफी अच्छे खासे लिए गए हैं, जो कि फैंस फॉलोइंग अपनी अच्छी खासी रखते हैं बॉलीवुड के अंदर। वहीं इस फिल्म की अगर कमाई के मामले में और बात करें तो ये फिल्म और थिएटर के अंदर अभी टिकने वाली है, क्योंकि आने वाले कई हफ्तों तक और कोई बॉलीवुड की फिल्में नहीं आ रही है, तो इस फिल्म को अपना पैर फैलाने के लिए और अच्छा खासा मौका मिल रहा है। बाकी दोस्तों आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं।